समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का आपत्तिजनक बयान। 18 साल से लड़कियों की उम्र 21 साल की शादी को लेकर के जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं उसके बाद में अब विवाद खड़ा हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है कांता करदम, बीजेपी सांसद है। मैडम, जिस तरीके से शफीकुर रहमान बर्क साहब का बयान सामने आया है कि आवारगी का मौका मिलेगा, क्या दिखा रहा है? देखिए, मैं इस जो बयान आया इसकी निंदा करती हूँ। उस तरह का बयान नहीं देना चाहिए बहन बेटियों के लिए, उन बेटियों के लिए। ये उन बेटियों के लिए भी है जिनकी नाबालिग बेटियों की शादी कर दी जाती है, उन पर भी प्रतिबंध लगेगा। और दूसरा है कि आजकल जो आगे बढ़ रही है महिलाएं और आगे पढ़ रही हैं महिलाएं, तो वैसे भी कोई 21 साल से पहले शादी नहीं करना चाहता है और आगे तक शादी करना चाहता है, तो इस तरह के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए आपको। ये बयानबाजी का जो महिलाओं की तरफ से भी आपको मैं निंदा करती हूँ कि इस तरह की बयानबाजी आपने करी है, और महिलाओं को सम्मान देना सीखिए, वो बहुत जरूरी है। लेकिन ये क्या दिखाता है, किस तरीके की मानसिकता है कि लड़कियां अगर जो है उनकी शादी थोड़ा सा लेट होगी तो उनको आवारगी का और मौका मिलेगा, इस तरीके के क्या सोच है ये? देखिए, जैसा मन में विचार होते हैं ना, उस वो विचार प्रकट होते हैं इंसान के हैं, तो ये मन के अपने विचार हैं, तो उनके मन के विचार ऐसे हो सकते हैं कि उनके मन में ऐसा विचार है कि वो जो उन्होंने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, इस भाषा का प्रयोग करना नहीं चाहिए था और ये गलत है, और ये आगे जो बढ़ाना है बहन बेटियों के मान सम्मान को इसको देना चाहिए, सीखना चाहिए। बहन बेटियों को मान सम्मान देना चाहिए, सीखना चाहिए, इस तरीके के जो शब्दों का इस्तेमाल करना पूरी तरह गलत है, ये कहना है बीजेपी सांसद कांता करदम का। अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।